नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी के में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आने वाले सी टेट एमपीटेट और साथ ही साथ सुपर यूपीटेट एग्जाम 2020 के लिए पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न का एक प्रैक्टिस सेट। दोस्तों इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप अपनी तैयारी के स्कोर को जान सकते हैं। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों ये प्रश्न आप PDF के रूप में चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जा करके एंड्रॉइड एप्लीकेशन टेट सक्सेस को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर ये प्रश्न आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है, मतलब उसमें बहुत अधिक मात्रा होती है किसकी, लाइसिन की, अमाइलेज की, अमाइलोज की, शर्करा की या फिर तेल की। तो चार विकल्प हैं आपके सामने। तो देखिए यहाँ पर जो बासमती चावल होते हैं उनके दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर होता है एमाइलोज। तो ऑप्शन बी जो होगा ये हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो मनुष्य यह समझ नहीं पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए तो वह पीड़ित है। तो ऐसा मनुष्य जिसको ये समझ नहीं पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए तो वो किस रोग से पीड़ित है, बुलिमिया से, मधुमेह से या फिर एनोरेक्सिया नर्वोसा से या अति अम्लता से। तो देखिए एक रोग होता है जिसमें व्यक्ति ये समझ नहीं पाता कि उसे अब खाना बंद कर देना चाहिए क्योंकि उसका जो आवश्यकता है वो पूरी हो चुकी है। तो ये स्थिति होती है बुलिमिया से। ऑप्शन ए जो होगा ये हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल या फिर राई सरसों का तेल। तो यहाँ पर इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो होगा गेहूं अंकुर का तेल क्योंकि गेहूं अंकुर जो होते हैं उनके अंदर विटामिन ई जो होता है वो भरपूर मात्रा में होता है। अगला क्वेश्चन है, कुत्ता मछली का आवास है, कुत्ता मछली कहाँ पर देखी जाती पाई जाती है, नदी, तालाब, झील, समुद्र। तो ये निश्चित ही समुद्र के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन डी जो होगा हमारा उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान में घरों के फर्श बनाने में उपयोग में नहीं लिया जाता है, ऑप्शन ए है संगमरमर, बी है कोटा स्टोन, सी है घिया पत्थर, सेलखड़ी और डी है सैंड स्टोन। तो देखिए जो पत्थर घर के फर्श बनाने में उपयोग नहीं लिया जाता है वो है घिया पत्थर जिसे हम सेलखड़ी भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बया रहती है घर में, बिल में, दड़बे में या फिर घोंसले में। तो बया जो है वो एक पक्षी है तो ये घोंसले के अंदर रहती है। ऑप्शन डी जो होगा ये इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, बिलिरुबिन एवं विलिवर्डिन कहाँ पाए जाते हैं, पित्त में, रुधिर में, लार में या अग्नाशयी रस में। तो ये पाए जाते हैं पित्त के अंदर। ऑप्शन ए जो होगा हमारा उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, संतुलित भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्वों के साथ आहारी रेशे तथा जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशे ऑप्शन है इसके लिए, आहारी रेशे हमें पोषक तत्व प्रदान करते हैं, बी है भोजन, ये भोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, और सी है बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं, या डी है भोजन पचाने में मदद करते हैं। तो आहारी रेशे जो होते हैं ये बिना पचे हुए भोजन को हमारे शरीर से बाहर निकालने में शरीर की सहायता करते हैं। ऑप्शन सी जो होगा हमारा उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, गर्मी के मौसम की अपेक्षा सर्दी के मौसम में हम अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं, अब ऐसा क्यों करते हैं। ऑप्शन इसके लिए, गर्मी के मौसम अधिक भोजन खाने से पेट संबंधी बीमारियां हो जाती है, बी है सर्दी के मौसम में कार्य कम करने की वजह से भोजन अधिक खाया जाता है, और सी है गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और डी है यह गलत धारणा है। तो देखिए जो सर्दी का मौसम होता है उस समय हमें ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है, तो इसके लिए विकल्प बनेगा ऑप्शन सी, गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्योंकि उस समय वातावरण का तापमान जो होता है कम होता है और उससे हमें शरीर को सुरक्षित रखने के लिए हमें ऊर्जा ज़्यादा आवश्यक होती है। ऑप्शन सी बनेगा उत्तर। दूध में प्रोटीन है, इसके परीक्षण के लिए कौन सा अभिकर्मक जो है ये प्रयुक्त तो होता है, आयोडीन का घोल, बेनेडिक्ट घोल या कापर सल्फेट एवं कास्टिक सोडा का घोल, और डी है कापर सल्फेट का घोल। तो इसके लिए हम प्रयोग में लाते हैं कापर सल्फेट एवं कास्टिक सोडा का घोल, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कच्चे खाद्य पदार्थों में मंड स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण किया जाता है, तनु आयोडीन विलयन से, तनु HCl विलयन से या तनु NaOH विलयन से या उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो इसके लिए हम प्रयोग में लेके आते हैं तनु आयोडीन विलयन, और इसकी उपस्थिति इसकी साथ स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। चलिए परस्रव्य वे ध्वनियाँ जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 10,000 हर्ट्ज से अधिक या फिर 1,000 हर्ट्ज से अधिक या फिर डी है इनमें से कोई नहीं।
तो इसके जो सही उत्तर होगा वो होगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक जिनकी आवृत्तियाँ होती है, ऐसी ध्वनियों को हम परास्रवी ध्वनियाँ कहते हैं। चलिए, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? अधिक पसीना आना, कम पसीना आना, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, आर्द्रता की स्थिति में जो होता है पसीना वाष्पित नहीं होता है, इसी कारण व्यक्ति थोड़ी सी परेशानी महसूस करता है। ऑप्शन सी जो होगा ये हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तेज हवा वाले रात्रि में औस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है, हवा में नमी कम होती है, तापमान ऊंचा रहता है या आकाश साफ नहीं होता है। तो देखिए, तेज हवा वाली रात्रि होगी तो निश्चित रूप से वाष्पीकरण की दर तेज गति से हो जाती है, तो उस वजह से औस वहाँ बन नहीं पाती है। ऑप्शन ए होगा उत्तर। ठोस कपूर से वाष्प, कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना या ऊर्ध्वपातन कहते हैं। चार विकल्प आपके सामने हैं, तो यहाँ पर हम इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन, क्योंकि ऊर्ध्वपातन विधि जो होती है उसमें ठोस से सीधे उसको गैसी रूप में लाता है, वाष्प रूप में लाता है। चलिए ऑप्शन डी होगा उत्तर। एक सांवली त्वचा का व्यक्ति गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में कम गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा, या बी है कम गर्मी तथा अधिक सर्दी अनुभव करेगा, सी है अधिक गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा, और डी है अधिक गर्मी तथा अधिक सर्दी अनुभव करेगा। तो देखिए, त्वचा का रंग सांवला है और सांवला रंग जो होता है वो अधिक गर्मी महसूस करता है और कम सर्दी अनुभव करेगा, तो ऑप्शन सी जो होगा इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विलियन पार्टी की प्रायोगिक व्याख्या के हेतु विलय के रूप में शिक्षक को कौन से पदार्थ को लेना चाहिए? नारियल का तेल या फिर नारियल का पानी, पारा, सोडियम क्लोराइड। तो देखिए, हम विलय, विलायक और दोनों से मिलकर बनता है विलयन, तो विलायक पानी हो सकता है, और विलय पदार्थ में हम किसी भी सोडियम क्लोराइड जैसे विलय पदार्थ को ले सकते हैं, तो यहाँ पर विलय होगा सोडियम क्लोराइड मतलब नमक। चलिए, कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है? स्थलीय, जलीय, उभयधर्मी या मरुस्थली। तो देखिए, कांटेनुमा पत्ती वाले पौधे जो होते हैं ये मरुस्थल में पाए जाते हैं जहाँ पर जल की कमी होती है। ऑप्शन डी होगा उत्तर। अगला है, रमन को उसके पड़ोसी ने 4 किलो आंवला उपहार में दिए और वह मुरब्बा बनाने की योजना बनाता है, तो उसे किस तकनीक को अपनाने की जरूरत है? संरक्षण, परिरक्षण, अपघटन या पाश्चुरीकरण। तो देखिए, मुरब्बा जो है वो लंबे समय तक रखने के लिए उसे परिरक्षण तकनीक की आवश्यकता होती है, जिससे हम अचार मुरब्बे को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, तो ऑप्शन बी होगा उत्तर। कौन सा रोग जो है विटामिन की कमी से नहीं होता है? रतौंधी, हैजा, स्कर्वी, रिकेट्स। तो हैजा जो है ये नहीं होता है विटामिन की कमी से, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, लवण जो जल का अवशोषण करता है वह क्या कहलाता है? तो ऐसे लवण को हम हाइग्रोस्कोपिक लवण या फिर एनहाइड्राइट लवण, हाइड्रोफिलिक लवण या फिर हाइड्रोफोबिक लवण लीमा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऐसे लवण को हम हाइग्रोस्कोपिक लवण कहते हैं, ऑप्शन ए होगा उत्तर। चलिए, निम्न में से कौन सा एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? सागरीय प्रदूषण, सागरों की लवणता में वृद्धि, या फिर सागरीय जल का सामान्य तापमान में वृद्धि, या फिर रोगों एवं महामारियों का फैलना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सागरीय जल के सामान्य तापमान में जो वृद्धि होती है ये इसके लिए एक प्रभावी कारण है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वनों की कटाई के प्रभाव निम्न में से हैं? तो वनों की कटाई के प्रभाव यहाँ पर निम्न में से कौन से हैं? ग्लोबल वार्मिंग, बाढ़ एवं सूखा, जल संसाधनों की कमी, या फिर ऑप्शन डी है ये सभी। तो निश्चित वन की कटाई के ये सभी प्रभाव में देखने को मिलते हैं, ऑप्शन डी होगा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा किए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है? प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, सी है उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, और डी है उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को देना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उसके लिए उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना ये जरूरी है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर संबंधित है, तो ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, या फिर जल प्रदूषण से? तो ये संबंधित होता है ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन सी। अगला हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता बहुत अधिक हो गई है, इसका कारण है? रेफ्रिजरेटर का अधिक उपयोग, तेल व कोयले के अधिक ज्वलन, वनों का कटान, या डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये सभी कारण जो हैं ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता में वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं, ऑप्शन डी होगा उत्तर।
अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत शिक्षार्थियों के व्यापक एवं सतत मूल्यांकन में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? तो जो कार्य नहीं किया जाता है उसे हमें देखना है। इसमें परीक्षा परिणामों का विश्लेषण और व्याख्या वैज्ञानिक तरीकों से की जाती है। इसमें परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है। इसमें बच्चों पर पढ़ने वाले दबाव को कम किया जाता है। और डी है, इसमें मूल्यांकन को व्यापक और नियमित बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं तो जो नहीं किया जाता है वो होगा इसमें परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर विद्यार्थी को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण किया जाता है। तो इसमें प्राप्त अंक के आधार पर ना करके इसमें ग्रेडों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी होगा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। प्रकरणों में अंतर्निर्मित रूप से पुस्तक के अलग अलग स्थानों पर इकाई के अंत में या पाठ के अंत में। तो देखिए पाठ्यपुस्तक में अभ्यास और गतिविधियों को प्रकरणों में अंतर्निर्मित रूप से उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन ए होगा उत्तर। अगला हमारा क्वेश्चन है, कक्षा चार की एक शिक्षिका विद्यार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को रिक्त स्थान कहा जाता है। तो इन फोल्डरों को हम कहते हैं पोर्टफोलियो, दत्तकारी, परियोजना कार्य या घटना वृत्तांत अभिलेख। तो इन्हें हम कहते हैं पोर्टफोलियो, जहां पर बच्चे के इन सभी अवलोकन रिपोर्ट पत्रक आदि को रखा जाता है वो है पोर्टफोलियो। ऑप्शन ए होगा उत्तर। अगला है, शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि विद्यार्थी को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है क्योंकि यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करती है। यह विद्यार्थी में अंतर्निहित शक्तियों का विकास करती है। सी है, विद्यार्थी के ज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव होता है। और डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी के ज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव होता है क्योंकि प्रोजेक्ट विधि के अंदर विद्यार्थी स्वयं सक्रिय होता है और उसकी स्वयं की भागीदारी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा ये हमारा उत्तर होगा। दोस्तों ये थे आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे साथ में समय तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी एक और नए किसी वीडियो के साथ।